जर्नी और मैं आपका दोस्त अनिल और मैं आज जा रहा हूँ घूमने के लिए बहन के साथ और लुम्बिनी तक। और ये नेपाल का फेमस जगह है लुम्बिनी और इसी को देखने के लिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिए और दिखाते हैं। आज सारे लोग रेडी होकर अभी जा रहे हैं और ये भांजा और हम लोग का गाड़ी भी आ चुका है अभी फिलहाल देखो गाड़ी। और इसी गाड़ी से हम लोग अभी जा रहे हैं घूमने के लिए और गाड़ी वाड़ी मंगा लिया है तो सारा फैमिली अभी साथ में जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पे बने रहिए और आज का कुछ खास धमाल वीडियो होने वाला है और लुम्बिनी तक और देख सकते हो भांजे पूरा खुश। और लुम्बिनी आप सभी को पता है बोध जी का जन्म स्थान है और वहीं पर हम लोग जा रहे हैं अभी बोध जी का जो मंदिर है वो सब देखने के लिए और वो अभी जर्नी स्टार्ट होने वाला है। सारे फैमिली साथ जा रहे हैं और फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका अभी तक मेकअप खत्म हुआ नहीं। अभी भी देख सकते हैं नेल पॉलिश लगा रहा है अभी फिलहाल ये भगवान तो गाड़ी में नेल पॉलिश लगा रहा है। देखो बहन जो है अरे रहा मेरा बहन यहाँ नेपाल में रहता है नेपाल में रहता है यही बहन अपना और इस साइड में ये मेरा जवाई देख सकते हो जवाई और ये काला वाला तो पहचानते हो गए बना भैया जो मेरा भैया जो इंडिया से लेके आया था मैंने तो बेचारा ना वाले ना काला ये मेरा मेरा फॉरेनर भाई है तुम्हारा दांत बंद करो क्या मैं पूरा काला और सारे फैमिली अभी साथ में जा रहे हैं। सारे मिले कहाँ जा रहे हैं लुम्बिनी साथ में राइड इंजॉय कर रहे हो राइड इंजॉय हो रहा है कि नहीं मजा आ रहा है क्या बोला मैं समझ में नहीं आया बोल दो ना यार मेरे दादा और फ्रेंड्स अभी हम लोग लुम्बिनी पहुंच चुके हैं और पीछे देख सकते हैं कुछ अलग ही तरह का घर बना के रखा गया यहाँ पे सामने देख सकते हैं और यही है लुम्बिनी का कुछ नज़ारा और सब उतर रहे हैं हम गाड़ी से। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं लुम्बिनी लुम्बिनी पहुंच चुके हैं हम लोग और अभी सब अभी उतर रहे हैं गाड़ी अभी पैदल जाना पड़ेगा हम लोग को कहाँ पे। और ये भांजे सब मेरे को दिखा रहे हैं अभी कहाँ क्या है और मेरे को मुझे भी नहीं पता साइड गाड़ी आ रहा है साइड सूते का छो ना यू आर स्लीपिंग स्लीपी सो वेरी मच और फ्रेंड्स देख सकते हो लुम्बिनी पहुंच चुका है। लुम्बिनी का नज़ारा कुछ इस तरह देख सकते हो पीछे बोर्डिंग का जो जगह है वो बोर्डिंग के लिए है और भी बहुत सारा देखने के लिए है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पे बने रहिए और भी दिखाऊंगा और ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होने वाला है तो वीडियो पे बने रहिए आप लोग। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे बोर्डिंग का कुछ काफ़ी अच्छा अच्छा बोर्डिंग बना के रखा गया है यहाँ पे और यहाँ पे बोर्डिंग मुझे मिला है कि नहीं पता नहीं देखते हैं। और फैमिली वगैरह आगे जा चुके हैं और अभी तक फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे। और फ्रेंड्स ये देख सकते हो ये टेंपल जो है सिंगापुर टेंपल है और मैं आप सभी को दिखाऊंगा ये रहा सिंगापुर टेंपल जो लिखा है और सिंगापुर की तरफ से दिया गया जो मंदिर है ये है। गाइस हम लोग इधर आ चुके हैं टेंपल में अभी इधर ही अभी एंट्रेंस में जाएंगे तो ये एंट्रेंस गेट इधर पर चाइना लोग चाइना ये नेपाल और फ्रेंड्स अभी मैं मंदिर पे हूँ और मंदिर का कुछ नज़ारा इस तरह देख सकते हो और सारे लोग अभी पूजा कर रहे हैं देख सकते हो मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह और मंदिर पे ज़्यादा जोर से भी नहीं बोल सकते और सारे लोग अभी पूजा कर रहे हैं।
पूरे फैमिली के साथ में घूमने का मजा कुछ और ही है। देख सकते हो सारे लोग मस्त से, देख सकते हो दूसरे मंदिर का एंट्रेंस किस तरह सजा के रखा गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अभी हम लोग इस मंदिर पे जा रहे हैं, तो वीडियो पे बने रहिए और भी अंदर का नज़ारा दिखाऊँगा। लेट्स गो। सारे लोग हमें शूज उतार रहे हैं, मैंने भी शूज उतार लिया, ठीक है। और अंदर का नज़ारा बस इस तरह काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और बच्चे सब वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, वो चलते हैं। सारे लोग अभी विश मांग रहे हैं यहाँ पे, इसका चक्कर लगा के विश मांग रहे हैं। देख सकते हो दोस्तों, बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग लोग अभी भी विश मांग रहे हैं। और यहाँ पे गार्डन का कुछ नज़ारा इस तरह देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत सा सजा के रखा गया है। देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पे, और मैं आप सभी को ये खूबसूरत सा नज़ारा दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं आगे, चलो आ जाओ आ जाओ। बहुत ही एक स्टैचू बना के रखा गया है, खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बोध जी वहाँ पे देख सकते हो ज्ञान देते हुए वहाँ पैर के पीछे, और स्टैचू का काफ़ी अच्छा महत्व दिया गया है। तो चलो आगे चलते हैं वहाँ से। और अभी हम लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं, मंदिर के अंदर। चलो आगे मंदिर के अंदर क्या है नज़ारा दिखाते हैं आप सभी को। और मंदिर का नज़ारा लग रहा है, काफ़ी मेहनत से ये डिजाइन किया गया है। तो गाइस अभी हम लोग ये मंदिर से आगे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे मंदिर माया मंदिर तरफ। अभी उधर से बोट पकड़ के हम लोग घर तरफ जाएंगे। अभी स्टिल हम लोग जा रहे हैं माया मंदिर तरफ, देखिए चाहिए। यहाँ पर मेन ब्लॉगर हमारा मामा। आजकल का बच्चा लोग को भी क्या बोलेगा, सिगरेट पी रहा है। वो चाइना के द्वारा काफ़ी खतरनाक खतरनाक स्टैचू मूर्ति वगैरह बनाया गया है यहाँ पे, देख सकते हो दोस्तों। और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, वो पुराने ज़माने का राजा सब का शायद ये स्टैचू बनाया गया है। और उस तरफ भी है देख सकते हो दोस्तों, और उस तरफ का नज़ारा दिखा दीजिए कैमरा मैन। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे जो है गार्डन वगैरह, क्लीन एकदम काफ़ी साफ सुथरा रखे गए मंदिर को। ये जो मंदिर है काफ़ी साफ सुथरा है, वैसे तो हर एक मंदिर साफ सुथरा है, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है साफ सुथरा देखे। और भैया जो है पोज दे दे के फोटो उठा रहा है फिलहाल। और देख सकते हो यहाँ पे आग कंटिन्यू जलते रहता है यहाँ पे, किस कैसे चलता है पता नहीं, अभी कभी बुझते हुए नहीं देखा मैंने। और ये
कंटिन्यू चलता है कि क्या है अंदर में पता नहीं है क्या है, कुछ नहीं, कभी किसी से पूछा भी नहीं। अंकल ये क्या आगे कंटिन्यू चल रहा है, यो आगे नहीं कंटिन्यू चल रहा है, जल्दी आके सारी हां की की छ की ले जल्छ कुनी हां आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल भने बुझ्नु भएछ हां आर्टिफिशियल बत्ती हो आर्टिफिशियल हो जेन्युइन त मतलब नेचुरल त हैन नि। अच्छा अच्छा और उन्होंने कह दिया है कि ये आर्टिफिशियल है, मतलब नेचुरली जो आग जल रहा है वो नेचुरली नहीं है, एक्चुअली आर्टिफिशियल है। और देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह काफ़ी खूबसूरत सा है। और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा स्टेचू बनाया गया है बुद्ध जी का, गौतम बुद्ध का। और फ्रेंड्स अभी हम लोग आगे जा रहे हैं बुद्ध जी का जन्मस्थान जो है, एक्चुअली जहाँ पे जन्मस्थान हुआ था वहीं पे हम लोग जा रहे हैं अभी, वो देख के आते हैं। वीडियो में काफ़ी सारा बाकी है तो देखें अभी। और फ्रेंड्स अगर देख सकते हैं टिकट लेना पैसे टिकट ले रहे हैं टिकट ले रहे हैं टिकट ले रहे हैं हम लोग ने टिकट वगैरह ले लिया है, आगे निकलते आगे और आगे भी चेकिंग वगैरह है शायद, देख सकते हो लाइन पे लगा हुआ है यहाँ पे, शायद कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं आगे और चेकिंग है। प्लीज रिमूव योर शूज़ यहाँ पे लिखा गया है, और शूज़ वगैरह उतार के अंदर मंदिर पे जाना होगा, तो हम लोग जूता उतार के इस लाइन पे रख देते हैं कहीं। तो फ्रेंड्स अभी फाइनली मैं लुम्बिनी पहुँच चुका हूँ, और यह रहा लुम्बिनी का बुद्ध जी का जन्मस्थान, और यहीं पे है बुद्ध जी का जन्मस्थान, वॉल में सारे लोग जानते होंगे। तो इसका अंदर में वीडियो होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वीडियो दिखाने के लिए आप सभी को। तो चलो चलते हैं आगे। और ये पूरा नज़ारा देख सकते हो, ये पूरा लुम्बिनी का बुद्ध जी का जन्मस्थान का है। और फ्रेंड्स वीडियो अलाउ नहीं है अंदर में, तो माफ़ करना। कछुआ जो है पानी में तैर रहा है ऊपर, पानी के ऊपर, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, देख सकते हो। और देख सकते हो भगवान बुद्ध के धर्म में सारे लोग अभी पाठ पढ़ रहे हैं अभी गुरु जी लोग। दे रहे लुम्बिनी सालबन में आया तथा संकेत मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में यहाँ हुआ के कर उसने वो अशोक का पिल्लर रख दिया, उसके बारे में भंते भिक्षु लोगों को रहने के लिए उसने वो छोटा छोटा सा बुद्ध विहार मोनास्ट्री वो सब बना दिया, भंते लोगों के लिए भिक्षु लोगों के रहने के लिए उसने वो सब बुद्ध सब बना दिया। ये लुम्बिनी का इतिहास। इधर ये लुम्बिनी में 40 अंदर एक ही मंदिर है महामाया मंदिर, और ये लुम्बिनी में टोटल 46 टेम्पल है, 6 टेम्पल आउटसाइड है और 40 टेम्पल इनसाइड है। जी नजीक ही नजीक है लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है वो तीन भाग में डिवाइड है, एक हो गया सेक्रेट गार्डन, एक मोनास्ट्री जोन, एक पार्किंग हो गया। आगे अभी आप लोग आगे जाएंगे तो उधर एक बेबी बुद्धा है, बेबी बुद्धा बोले तो एक अंगुली ऊपर करके एक अंगुली नीचे करके एक स्टेचू है बुद्धा का, वहाँ से इधर जो है ये सेक्रेट गार्डन है, इधर आप लोग गाड़ी वगैरह से ले आ सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो है बीच में एक पोखरी है, तालाब बीच में तालाब है, उधर जो है थेराबादा टेम्पल, इधर जो है महायाना टेम्पल, के दो भाग की बाइक है, लास्ट में जो है पार्किंग है। और मुझे मिला है अभी बेल गिरा ऊपर से, और ये पका हुआ बेल मिला है मुझे, और यहाँ का कुछ नज़ारा इस तरह बांधे जो है बेल को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे कैमरे लगाए कि किस लिए रखा गया है पता नहीं, और ये कैमरा यहाँ पे अभी देख सकते हो बोधी HD टेलीविज़न लाइव बोधी ब्रॉडकास्ट लाइव है क्या? हाँ लाइव है, हमें दिल्ली में सारा जाना। दिल्ली? दिल्ली हाँ। अच्छा 7:00 to 8:00 हाँ, और 7:00 to 5:00 यहाँ खाली ये खाली ये लाइव देखना, यहाँ को दिखाने आके कि मान सकते पूजा करते हैं कस्तो करते हैं उनकी फिर बाद में सब जगह दिखाने सामने।
भित्र कम देखाउनुहुन्छ भित्र पाइन र भित्र थैंक यू यो हैन बडला बोटा खोजले खोजे गर्नुहुन्छ न आदि साथी आदि पानी निकाल्न जान्छ पुरा 300 300 फ्रेंड्स काफी अच्छा लगा बात करके इन्होंने यहां पे कंटिन्यू ब्रॉडकास्ट करते हैं शाम को और सुबह को तो इस वजह से यहाँ पे कैमरा वगैरह लगा के रखा है तो ये खाली ब्रॉडकास्ट के लिए शाम को और सुबह को करते हैं हम लोग तो उन्होंने सारा डिटेल्स बता दिया और यहाँ का कुछ नज़ारा इस तरह देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा है सजा के रखा गया है बोट पे जा रहे हैं और देखते हैं कितना आदमी जा पाएगा और काफ़ी लोग हो चुके हैं हम लोग और अभी देख सकते हो बोट पे हम लोग इस तरह जा रहे हैं और ये रहा हम लोग का बोटिंग भाई अरे भाई आप ही लेके जाएंगे क्या उधर लेके जाएंगे और ये है बोटिंग भाई जहाँ से कैप्टन हाँ सही बोला आपने अरे भाई हमें बोट से इस पार से उस पार लेके जाएंगे तो चलो चलते हैं इनका ड्राइव देखते हैं कैसा है तो भी देख सकते हो ये बहन जा रहा अंदर जहाज कैप्टन ने जहाज छोड़ दिया है अभी हमारा कैप्टन ने अभी जहाज को स्टार्ट कर दिया है और अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से देख सकते हो जहाज को किस तरह घुरा रहे हैं अभी देख सकते हो लोग ने जहाज को शुरू कर दिया यहाँ पे और काफ़ी हम लोग निकल रहे हैं और हमारे कैप्टन साहब ने काफ़ी मेहनत से स्टार्ट कर दिया है जहाज को जहाज का नज़ारा को देख रहा है देख सकते हो पानी को खेलने में मज़ा आ रहा है चीज़ का था चीज़ का डबल तो छाना था हाथ में चीज़ को क्या और फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे अभी नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं और सामने मंदिर है और इसके सामने हम लोग और इस मंदिर के सामने हम लोग अभी नाश्ता करने वाले हैं और यहाँ पे नाश्ता लग रहा है अभी और ये नाश्ता शाम का
काफ़ी मेहनत से घूम लिए हैं, तो अभी नाश्ता खाने के लिए रेडी है हम लोग। सभी नाश्ते पे मिला है, लोग नाश्ता करने वाले हैं शाम का। नाश्ता का परोठा, और ये परोठा हम लोग अभी खाने वाले हैं, देख सकते हो। भैया जी वहाँ पे नाश्ता करने के लिए रेडी है, इतने वाला डाल चुका है नाश्ते के साथ में कोक। ये देखो दाल मुड़ी के साथ में रोटी, हम अचार दाल मुड़ी। अरे रुको, देख सकते हो लुम्बिनी का व्हाइट टेंपल काफी बढ़िया है, तो काफी खूबसूरत सा नजारा देख सकते हो ऊपर तक। और ये है लुम्बिनी का व्हाइट टेंपल, और काफी फेमस टेंपल है ये व्हाइट टेंपल, देख सकते हो दोस्तों। अभी दिखाते हैं ऊपर तक का नजारा आप सभी को, तो लेट्स गो। बच्चों के साथ में एंजॉय करते हुए अभी व्हाइट टेंपल का नजारा का लुत्फ उठाते हुए हम लोग अभी देख सकते हो, बच्चे काफी खुश, और देखते हैं आगे और बच्चे क्या कर रहे हैं। और देख सकते हो दोस्तों ऊपर में एक बुद्ध जी का सोया हुआ मूर्ति बना के रखा गया है, काफी खूबसूरत लग रहा है, और पूरे गोल्डन कलर में दिया गया है। और शाम का नजारा कुछ इस तरह देख सकते हो दोस्तों, अभी शाम भी ढलने वाला है, और हम लोग का साउथ इंडियन हीरो अभी काफ़ी चुस्त दुरुस्त है, और सामने हम लोग का भांजे। और फ्रेंड्स हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। तो और फ्रेंड्स आप लोग को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, जो लुम्बिनी में जो बौद्ध जी का जन्मस्थान था वहाँ पे हम लोग घूमने आए हैं, और यहीं का ब्लॉग आप सभी को दिखाया है, यहाँ पे जो जो था मंदिर वगैरह मैंने आप सभी को दिखाया है, तो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे लाइफ ऑफ जर्नी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का जर्नी बहुत अच्छा था, वही बस इतना धूप था कि बस थोड़ा सा काला हो गया अपना स्किन, जो गोरा गोरा स्किन लेके आया था विदेश से वो बिल्कुल देसी हो गया। अच्छा देसी हो गया। और ये तो ऑलरेडी वो क्या बोलेंगे भैया जो है सारे देखे जो सुबह से शाम तक कपड़ा बदल चुका है, और सुबह गोरा गोरा था अभी काला होके आ गया, सारे सभी काले हो चुके हैं अभी फिलहाल। और ये हमारा हीरो भाई, पर यहाँ पे साउथ इंडियन भाई, अरे अभी देख सकते हैं साउथ इंडियन भाई वैसे भी काला हो चुका है अल्लू अर्जुन, और देखो अभी काला चश्मा लगा के अल्लू अर्जुन काला चश्मा। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, तो पूरा फैमिली ब्लॉग, और आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, बाय।